हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लिख रही हूँ बहुत ही यूज़फुल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल DIY, और इसे तैयार किया है हमने एक वेस्ट बकेट के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक वेस्ट बकेट जो कि पेंट बकेट है, और इसके लिए हमें चाहिए होगा फैब्रिक। वेस्ट फैब्रिक आप कोई सा भी ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पुराना दुपट्टा, बेडशीट या जो भी फैब्रिक आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिए। मेरे पास ये साड़ी का पल्लू है तो मैं इसका यूज़ करूँगी, और हमने इसे बकेट के साइज़ से मार्च कर लिया है, उससे थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है जिससे कि उसे कवर करने में इजी हो। और इस तरीके से हम इसके दोनों साइड से सिलाई करते हुए फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम दोनों साइड्स को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड्स को फोल्ड करने के बाद हमें जो बीच का पार्ट है, हम दोनों साइड को भी ज्वाइन करना है, और इसे इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद हम इसमें पिन की मदद से रस्सी लगा लेंगे दोनों साइड, जिससे कि हमें जो बकेट को कवर करना है तो उसमें ईजी रहे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड से इसमें रस्सी लगा दी है। अब हम इसे बकेट पर फिक्स करते हैं और बकेट को हम इसे कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे कवर करने के बाद ऊपर की साइड जो बकेट का हमारा किनारी रहती है, तो उसमें हमें इसे फिक्स करते हुए चारों तरफ से जो हमारी बकेट की ऊपरी लाइन है उसमें इस तरीके से फिक्स करना है, और उसके बाद रस्सी को टाइटली खींचते हुए हम इसे नॉट की मदद से बांधने हैं। और ये ध्यान रखना है बांधते हुए कि बहुत ही टाइट नॉट हमें लगानी है। और जो हमारी एक्स्ट्रा डोरी बची है उसे हम अंदर की तरफ इस तरीके से कर देंगे, जिससे कि वो नॉट हमारी दिखे नहीं। इसी तरीके से हमें नीचे की साइड की डोरी को खींचना है टाइटली, और इस तरीके से टाइटली नॉट लगानी है। जो एक्स्ट्रा हमारा धागा है उसको छुपा देना है। तो ये हमारा बकेट एक तरीके से कवर हो गया है। तो ये नीचे का हमारा पार्ट तैयार हो गया है स्टूल का, और इसी तरीके से हम ऊपर का तैयार करेंगे। उसके लिए हमें कट करना होगा बकेट की साइज़ का सर्कल। तो इस तरीके से हमने एक सर्कल फैब्रिक का कट कर लिया है, और अब हम लेंगे बड़ी सुई और जो मोटा धागा होता है वो, और उसमें सुई की मदद से हम बड़े बड़े मतलब गैप से, एक एक इंच के गैप से सुई से सिलाई करते हुए इस तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे। और लास्ट में हम जो हमारा थ्रेड है उसमें नॉट लगा देंगे, जिससे कि वो थ्रेड निकले नहीं। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड नॉट लगा दी है, जिससे कि हम इसको लास्ट में खींचेंगे उस पर फिक्स करने के लिए तो इजी रहेगा। तो अब हमारा जो ऊपर का सीट हमने तैयार किया है, इसमें क्या किया है कि हमने पुराना क्लॉथ लिया है, जो पुराने हमारे कपड़े के पीसेस होते हैं वो हमने इसमें डाले हैं और भर के इस तरीके से फिक्स कर दिए हैं। तो इस पर हम इस कवर को चढ़ाएंगे इस तरीके से, और बाद में वही करना है जो हमारी नॉट थी दो, उसी साइड से हमें धागे को खींचना है और बहुत ही टाइटली खींचते हुए हम इसे बांध देंगे। तो इस तरीके से हमारी सीट बनकर तैयार हो जाती है, और ये हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हमारा स्टूल बनकर तैयार हो गया है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही खूबसूरत। और इसे हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो आप स्टोरेज के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपनी वेस्ट चीज़ें जैसे कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी ही स्टोर कर सकते हैं, और बैठने के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।